अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अर्शद बिसर और आप देख रहे हो मेवात आज तक। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। मुद्दा ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने को यानी इस्लाम धर्म में 12 महीना होते हैं, लेकिन इस महीने को सबसे अव्वल दर्जा दिया गया है और इस महीना में मुसलमान बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं और ये अल्लाह का एक बहुत ही रहमत वाला महीना है। तो दोस्तों, मेवात के कुछ छोटे मोटे जो नेता हैं, जो बीजेपी समर्थक नेता हैं, वो बार बार ऐसा कहते हैं कि बीजेपी शासनकाल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और यह पुनाने से निर्दलीय विधायक जीता था लेकिन बाद में बीजेपी समर्थक विधायक बन गया। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो भी हर मंच के माध्यम से कहता है, जितना मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे विकास किया मेवात में, इतने पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। लेकिन मैं उस विधायक से भी ये पूछना चाहता हूँ और इस मनुवादी सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि प्यारे दोस्तों, अब आप खुद ही देख लीजिए कि जब कांग्रेस सरकार थी, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस सरकार ने बहुत ज़्यादा विकास किया, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तो 24 घंटे बिजली आती थी, यानी 24 घंटे होते हैं दिन और रात में। अगर 20 घंटे भी बिजली आ जाते तो उसे 24 घंटा कहा जा सकता है। लेकिन आज आपने देखा, कल का रोजा बीत गया, लाइट दिन में नहीं आई, रात में नहीं आई, और आज का भी रोजा जो है वो बीतने वाला है, कुछ ही घंटे रोज़ा खुलने में रहे हैं, लेकिन यानी 2 रोजे पूरे हो चुके हैं, लेकिन दिन और रात में लाइट बिल्कुल नहीं आ पा रही है। और लाइट ऐसा नहीं है कि लाइट पीछे से ख़राब है, पीछे से लाइट ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर पीछे से लाइट ख़राब होती तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम जिस टाइम पानी वगैरह भरता है चैम्बर का, उस टाइम लाइट आती है घंटा डेढ़ घंटा के लिए, रात में भी कभी कभी झटका मारती है तो वो भी नहीं आती। जान पूछ करके ऐसा ये लोग कर रहे हैं जबकि चुनाव का दौर चल रहा है। जब ये लोग चुनाव के दौरान हमें लाइट नहीं दे सकते रमज़ान के महीने में, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मेवात के लोगों से जो बीजेपी समर्थक बने हुए हैं, बीजेपी के साथ डोल रहे हैं, बीजेपी की चाय पी रहे हैं और राव इंद्रजीत इंद्रजीत करके पुकार रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अरे तुम कैसे मुसलमान हो, तुम रमज़ान के पाक महीने में भी उनसे ये सवाल नहीं कर सकते। वो सांसद भी रहा है यहाँ से और मौजूदा विधायक भी है कई बीजेपी के, और बीजेपी सरकार है नीचे से ऊपर तक। चलो केंद्र में अब सरकार नहीं क्योंकि आचार संहिता लागू है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और पुलिस से, प्रशासन से, बिजली महकमे से, पानी महकमे से, क्या वो अगर लोग चाहते हैं तो किसी न किसी एंगल से जो बिजली है वो आनी चाहिए और वो दिलवा सकते हैं। लेकिन ये लोग जो मेवात के लोग चाय पीते घूम रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि रमज़ान का पवित्र महीना है लेकिन बिल्कुल भी बिजली नहीं आ पा रही है, जबकि सरकार किसी की भी हो, बेशक से आचार संहिता लगा हुआ हो, लेकिन मुसलमानों का ये एक पवित्र महीना रमज़ान का, इसमें बिजली बहुत ज़रूरी है। लोग गर्मी से बुरा हाल है लोगों का और यहाँ पे लोग रोज़ा रख रहे हैं, लोग सुबह से लेकर शाम तक, आपको पता है दिन बहुत बड़ा है लेकिन उस पूरे दिन में लोग भूखे रहते हैं। अब बिजली के बगैर हर किसी घर में ऐसी नहीं है, हर किसी घर में इन्वर्टर बैटर नहीं है, हर किसी के घर में जनरेटर नहीं है, तो आप ही बताइए गरीब लोगों का क्या जीना है, कैसे वो लोग भूखे रहते हैं और किस तरीके से वो रोज़ा रख पाते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस पर ध्यान दीजिए कि हमें लाइट नहीं मिल पा रही है, हमारे साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारी वोट का दुरुपयोग है। आप अपनी वोट को भी सोच समझ कर करें, मैं ये नहीं कह रहा आप किसको वोट करनी है आपको, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग समझदार हैं, अपनी वोट को उस जगह डालिए जहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आप आने वाली 12 तारीख को अपनी इस कीमती वोट को बेफालतू में ना डालें और सोच समझ कर डालें, अपना अगला और पिछला सारा जो विकास का जो मामला है, मेवात का जो डेवलप का मामला है और जो बहुत सारे इशू हैं मेवात के, उनको लेकर और सोच समझ कर तब जाके वोट करें जिसको भी करनी है आपको। और दोस्तों, इस बात पर ध्यान दें, जो नेता लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं घर घर, उनसे ये सवाल भी पूछिए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये रमज़ान का पवित्र महीना लेकिन लाइट बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, यहाँ के मुसलमान कैसे जी पाएंगे इस इतनी गर्मी के महीने में। तो दोस्तों, आज इतना ही, और जो भी मेरी इस वीडियो को देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा उस मनुवादी सरकार और इन झूठे नेताओं तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जो कि जनता को बहला फुसला कर सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं और यहाँ का विकास के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है। तो दोस्तों, देखते रहिए मेवात आज तक की ताज़ा तरीन खबरें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल बटन होती है उसे दबा दीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिल सके आपको। सबसे पहले आपका मित्र अर्शद सिंगर बिसरू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।